दही और पके आम की बहुत ही मजेदार रेसिपी। इसे देखने के बाद आप पक्का इसे बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कामिनी और कामिनी के किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए भाई, बिना देरी किए हुए करते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ले लेना है एक आम। तो यहाँ पे आम आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपको आम पसंद हो वो ले लेना। बस ये देखना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि आम खट्टा तो नहीं है। यहाँ पे अच्छा मीठा आम लेंगे तो उतनी ही टेस्टी हमारी ये रेसिपी बन करके तैयार होगी। तो चलिए करना क्या है, सबसे पहले हमें आम को धो लेना है। और अब मैं आम को छील रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम पूरे आम को नहीं छीलेंगे क्योंकि इस रेसिपी में हमें आधा आम ही यूज़ में आएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा आम है तो मैं आधा ही यूज़ करूँगी। और अगर छोटा आम ले रहे हैं तो पूरा एक भी डाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमें आम को इस तरीके से छील लेना है और अब हम आम को कट करेंगे। और ये वाला जो पार्ट है ये मैं बिना छीले रख रही हूँ ताकि दोबारा इसे हम यूज़ कर सकें। तो बस इसे हमें कट कर लेना है, ये देखिए। और ये आम हम आधा जो गुठली के साथ वाला है इसे अलग रख देते हैं, ये देखिए। और इस आम को हमें कट कर लेना है। तो आप कैसे भी काट लें और कोई भी यहाँ पे दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे काट लें, क्योंकि हमें इसे मिक्सी ग्राइंडर जार में ही डालना है। तो बस इस तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ। और छोटा छोटा कट करने से क्या होगा, इसमें जो है मिक्सी में पीसते समय पानी नहीं डालना है बिल्कुल भी, तो इसमें जो है बढ़िया से स्मूथ टेक्सचर का ये पीस करके तैयार होगा। चलिए आम कट कर लिया है, आप चाहे तो और छोटा कर सकते हैं इस तरीके से। और फटाफट से हम इस आम को डालेंगे मिक्सी ग्राइंडर जार में। और थोड़ा सा यहाँ पे मैंने आम को जो है क्यूब्स में कट करके अलग कर लिया है ताकि हम ऊपर गार्निशिंग के लिए रख सकें। तो चलिए ये जो हमारा बचा हुआ आम है थोड़ा सा मैंने अलग निकाल लिया है, दो पीस के करीब, और बाकी हमें इसमें डाल देना है मिक्सी ग्राइंडर जार में। साथ में हम यहाँ पे 2 टेबलस्पून केवल चीनी डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो आम है ना बहुत मीठा आम है, तो ज़्यादा चीनी पसंद करते हो तो 1 आध चम्मच यहाँ पे बढ़ा लेना, लेकिन फ़िलहाल आम मीठा है तो 2 चम्मच डाल करके हमें इसे पीस लेना है। तो कुछ भी यहाँ पर पानी वगैरह का यूज़ मत करना। और ये देखिए एकदम शाइनी ग्लॉसी सा हमारा आम का पेस्ट तैयार है। चीनी यहाँ पे इसी स्टेज पे ऐड कर देना और इसे पीस लेना। चलिए अब हमारा आम पीस करके तैयार है, हम इसे निकाल लेते हैं एक मिक्सिंग बाउल में। तो लीजिए हमने इसे एक मिक्सिंग बाउल में कर लिया है ट्रांसफ़र, और मिक्सी को अच्छे से क्लीन करेंगे ताकि जितना भी इसका जो है ये पेस्ट है ना ये हम यूज़ कर सकें। तो अच्छे से इसे मैंने निकाल लिया है और ये देखिए आप इसका टेक्स्चर कितना बढ़िया ये लग रहा है, जैसे आम का जैम हो इस तरीके से लग रहा है ना फ्रेंड्स। इसी तरीके से आम पापड़ की रेसिपी बनाई जाती है, अगर आप कमेंट्स करके बोलेंगे तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए अब 2 चम्मच के करीब हम ये निकाल लेते हैं। ये मैंने क्यों निकालूँगी आगे आपको रेसिपी में बताऊँगी। चलिए अब 2 चम्मच निकालने के बाद यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो दही। तो फ्रेंड्स ये जो दही है ना देखिए कितना थक्केदार है, बिल्कुल पानी दही अलग अलग नहीं है। इस तरीके का दही जमाना चाहते हैं तो कमेंट्स करना और बताना कि रेसिपी शेयर करूं, तो फिर मैं रेसिपी शेयर करूंगी। एकदम बढ़िया इस तरीके का दही घर में ही जमा करके तैयार कर सकते हैं। सिर्फ फ्रेंड्स 1 लीटर दूध से मैंने इतना बढ़िया 1 किलो दही जमा करके तैयार किया है। तो देखिए इसका टेक्स्चर कितना बढ़िया है। तो बस अब करना क्या है, इस दही को हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र करेंगे। तो लगभग यहाँ पे मैं 1/2 किलो दही लेने वाली हूँ, यानी आधा दही हम जो है यूज़ करेंगे, आधा रख दूँगी। जैसे किसी को खाना होगा तो खा लेगा घर में। फ़िलहाल फ्रेंड्स गर्मियों में ज़रूर दही जमाना चाहिए, और मैं प्रेफर करूँगी कि घर में ही शुद्ध दूध गर्म करिए और अच्छे से जो है दही जमाइए। बहुत टेस्टी भी लगता है, प्लस ये हमारी जो है गर्मियों में हेल्थ के लिए अच्छा भी रहता है। ज़रूर दही छाछ मट्ठे का सेवन करना चाहिए।
अब यहाँ पे हमने एक मिट्टी के बर्तन लिया है, इसमें टेस्ट बहुत ही सोना सोना आएगा इस रेसिपी का। तो चलिए एक मथानी ले लेना और दही को हमें पहले अच्छे से मथ लेना है। तो ये बिल्कुल ताज़ा दही है फ्रेंड्स, ये मैं रात में जमा रही हूँ और दोपहर में मैं जो है वीडियो शूट कर रही हूँ। रात भर दही बाहर रखा रहा, जम गया अच्छे से और मैंने सुबह उठ के इसे फ्रिज में लगा दिया था, तो ये काफ़ी ठंडा हो गया है और इसका मैं 3 बजे करीब ये वीडियो शूट कर रही हूँ, तो बहुत ही बढ़िया। तो बस इसे हमें मत लेना है एकदम क्रीमी टेक्सचर का। ये देखिए दही बिल्कुल तैयार है, खट्टा तो ये बिल्कुल भी नहीं, एकदम ताज़ा फ्रेश है ना। दही अगर छोड़ देंगे एक दिन के लिए तो दही खट्टा हो जाता है गर्मियों में। अब ये जो आम का हमने पेस्ट बनाया था ना, आम चीनी का पेस्ट, इसे हम सीधे दही में ऐड कर देंगे। तो पूरा पेस्ट हमें यहाँ पे दही में ऐड करना है, तो अच्छे से क्लीन करते हुए करना है। ये देखिए और इसका कलर देख सकते हैं आप कितना बढ़िया आ रहा है। तो चलिए पहले चम्मच से हम इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और ये देखिए फ्रेंड्स, दही में हमें आम का ये जो पेस्ट है इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद हमें दोबारा से मथानी ले लेनी है और मथानी से हमें इसे फेंट लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे जो है ना प्यारी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आपको पता है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बातों बातों में सस्पेंस कर देती हूँ दूर। हम बना रहे हैं आम वाली लस्सी, जो कि मैंगो लस्सी होती है एकदम गाढ़ी। तो ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, और कितनी गाढ़ी है क्योंकि एक बूंद भी पानी यहाँ पे हमने नहीं ऐड किया है। जो आम की लस्सी होती है ना एकदम गाढ़ी गाढ़ी ही बहुत अच्छी लगती है। तो मैं लस्सी बनाने जा रही थी क्योंकि अक्सर दोपहर में क्या होता है, खाना खाने के बाद मन करता है लस्सी पीने का, छाछ पीने का। तो बच्चों ने बोला, मम्मी जो है लस्सी बनाने तो जा रही हो लेकिन थोड़ा सा जो है मैंगो भी रखे हैं, तो मैंगो वाली लस्सी बनाना बहुत टेस्टी लगती है। तो बस मैं भी चल पड़ी फटाफट से बनाने के लिए। तो लस्सी बन ही रही थी तो आपके साथ शेयर करना तो बनता ही है। फटाफट से मैंने शूट किया और रेसिपी आपके सामने है। तो बस कुछ भी नहीं करना, दही के साथ में मैंगो का पल्प अच्छे से मिक्स कर लेना है और एकदम क्रीमी टेक्सचर का इसे कर लेना। एक बात ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगी, इसे सीधे मिक्सी ग्राइंडर जार में मत जो है फेंटना, क्योंकि जो हाथों से मथानी का टेस्ट आता है ना वो मिक्सी ग्राइंडर जार में बिल्कुल भी नहीं आता। सिर्फ मैंने आम को पीसा है, दही को मथानी में ही मथना और फिर आप देखना एकदम गाढ़ी लस्सी बन करके तैयार होगी, तो बहुत टेस्टी लगेगी। साथ में यहाँ पे हमने थोड़ा सा रौबजा डाल दिया है गिलास के साइडों से, ताकि जो डिज़ाइन आए ना देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो बस ये देखिए कितनी गाढ़ी लस्सी है और बर्फ़ डालने के बाद मैंने जो है इसे सर्व कर रही हूँ। फ्रेंड्स, दही भी हमारी पहले से ठंडी थी काफ़ी, तो यहाँ पे मैंने आइस क्यूब भी डाल दी है। तो लीजिए हमारी 3 ग्लास ये मैंगो लस्सी बन करके हुई है तैयार। तो भाई लस्सी बनाना तो सभी को जो है बनाना तो अच्छा लगता ही है, पीने वाले तो बहुत ही एंजॉय करके पीते हैं। तो बस सिंपल सी लस्सी को ट्विस्ट दीजिए, ये मैंगो लस्सी बना करके देखना, बहुत अच्छी लगती है। तो ये जो मैंने 2 चम्मच आम का पेस्ट निकाला था ना, उससे हम ऊपर से इसको इस तरीके से गार्निश करेंगे, ताकि जब हम पिए ना तो ये जो आम है ना रियल आम है, तो जब हम पिएंगे ना तो ये भी मुंह में आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। कोई भी यहाँ पे कलर का, एसेंस का, फ्लेवर का यूज़ नहीं करना, सिर्फ मैंने रुआबज़ा डाला है। रुआबज़ा अपने में ही बहुत फ्लेवरफुल होता है और अक्सर हम इसका यूज़ दही में, लस्सी में करते ही हैं। तो बस इस तरीके से रुआबज़ा डालना, अगर नापसंद हो तो स्किप कर देना। और थोड़े से आम के टुकड़े लगा देंगे, बादाम लगा देंगे, पिस्ता यहाँ पे लगा लेना। डेकोरेट आप कैसे भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे सिंपल ही पी सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो लीजिए बस एक एक बूंद इसके ऊपर रुआबज़ा डाल देंगे, ताकि इसका कलर देखने में बहुत सुंदर लगे। तो लग रही है ना फ्रेंड्स कितनी ज़्यादा अमेजिंग।
तो बस सिंपल सी लस्सी मत बनाना, अब इस तरीके की मैंगो लस्सी बना करके ट्राई ज़रूर करना। और ये वीडियो कैसा लग रहा है ये मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल भी मत भूलना। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो रॉब्ज़ा की इस तरीके से ग्लास के अंदर हम डालते हैं ना, तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन आ जाता है, लेकिन इतनी गर्मी पड़ रही है कि कोई भी चीज़ टिक नहीं रही है। और अगर ये ग्लास मैं रॉब्ज़ा साइड से लगा के थोड़ी देर फ्रिज में रख देती ना, तो रॉब्ज़ा एकदम सेट हो जाता, तो और भी प्यारी डिज़ाइन आती। तो डिज़ाइन का क्या है फ्रेंड्स, पीना तो हमें इसे मुँह से ही है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। और ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है प्लीज़ 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 फ्रेंड्स बताना बिल्कुल भी मत भूलना। मेरे घर में तो इस तरीके से लस्सी सभी ने एंजॉय की है, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें और आपको ये बहुत पसंद आए, क्योंकि आम का सीज़न है ना, लस्सी तो हम कभी भी बना के पी सकते हैं, लेकिन हर सीज़न में आम नहीं आते हैं। तो एक बार मेरे तरीके से ये मैंगो लस्सी ट्राई ज़रूर करना। चलिए भाई, मैं तो चली इसे पीने, क्योंकि काफ़ी चिल्ड है और बहुत बहुत टेस्टी बनी है फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी, ज़रूर ट्राई करना। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय एंड टेक केयर।